छोटी छोटी बातों से भावनाएं सब उलझ गए कि छोटी छोटी बातों से भावनाएं सब उलझ गए पिता पुत्र बहू सास की, देखो रिश्ते बिखर गए। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का छठ का पर्व कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा ना? आप लोगों ने छठ बहुत अच्छे से मनाया ना? छठ माता की कृपा आप के परिवार पर यूं ही बनी रहे और आपका परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि छठ का पर्व भी यही संदेश देता है कि हमारा परिवार, हम कहीं भी रहें लेकिन कभी भी तीज त्यौहार पर हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ रहे। और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और मैं अपनी कहानी बिखरते रिश्ते भाग तीन लेकर आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि अजय जी अपने बेटे और बहू के पास अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, जहाँ पर अंशु उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है, ना उनसे बात कर पाता है और किसी तरह छोटी छोटी बातें परिवार में कुछ ना कुछ सबके मन में मनमुटाव पैदा कर रही थी। अजय जी और सरला जी की आदत थी सुबह उठना और सुबह चाय पीना, तो जब यहाँ पर उनकी बहू थोड़ा लेट उठती है, उसे रात में अंशु लेट से आता है तो जिसकी वजह से उसे सोने में भी लेट हो जाता है और वो सुबह लेट उठती है जिसकी वजह से उन लोगों के चाय में लेट हो जाती है, तो ये बातें वो सोचती हैं कि मैं बेटे से कह दूं, क्योंकि मैं अगर बहू से कहूंगी तो बहू को मेरे बुरा लगेगा। और इस वजह से वो अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, बहू से कह दो कि थोड़ा सा जल्दी उठकर पापा के लिए चाय बना दे, क्योंकि पापा सुबह उनकी आदत है चाय पीने की। तो इस पर अंश कहता है, मम्मी वहाँ पर तो आप सारा काम करती थी, आप यहाँ पर भी चाय बना सकती हैं। और ये बातें जब रुचि सुनती है तो उसे लगता है कि इसकी सास उसकी बुराई कर रही है, वो इतना करती है, इसके बाद उसकी सास उसके पति से उसकी बुराई कर रही होती रही हैं। यहाँ पर दोनों की भावनाएं अलग अलग थीं एक दूसरे के प्रति, और जहाँ पर बात कोई नहीं थी लेकिन सरला जी के मन में था कि मेरी बहू को बुरा ना लग जाए, और रुचि के मन में था कि मेरी सास मेरी बुराई कर रही हैं। वो गुस्सा करती है और बहुत गुस्से में सब खाना पानी बनाती है, और शाम होता है पूरा दिन वो सरला जी से बात नहीं करती, गुस्से में रहती है, और जिसकी वजह से सरला जी को फील होता है कि आज रुचि किसी बात को लेकर गुस्से में है। वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही होती, बस खाना दे देती है, ना पूछती है कि पापा की तबीयत कैसी है, उन्हें दवा देनी है या नहीं देनी है। जो पर डे रुचि पूछती थी, आज उसने कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं की, जिसकी वजह से सरला जी को फील हुआ कि उनकी बहू किसी बात पर नाराज है। उन्होंने जानने की भी कोशिश की तो इस पर रुचि कहती है कि नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है। तो इस पर शाम के टाइम अंश जब ऑफिस से आता है तो रुचि बेमन से खाना बनाती है और खाना देती है, और रात में जब वो अपने बेड पर लेटने जाती है तो थोड़ा सा उसका मुंह बना रहता है। तो इस पर अंश कहता है, क्या क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों बनाई हो, क्या कोई दिक्कत हुआ, किसी ने कुछ कहा, मम्मी ने कुछ कहा? तो इस पर रुचि कहती है कि मुझे क्या होगा, मैं कितना भी कर लूँ हमेशा बहू की बहू ही रहूँगी, और कभी भी मम्मी जी मुझे नहीं समझेंगी, और मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पापा जी की दवा, उनका खाना, मम्मी की सेवा करना, मम्मी जी को फिर भी लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं उन्हें सुबह चाय नहीं दे पाई तो वो मेरी तुमसे बुराई कर रही थी। तो इस पर अंश कहता है कि वो बुराई नहीं कर रही थी, वो सिर्फ ये कह रही थी कि इस सुबह पापा की आदत है चाय पीने की, बस बहू से कह दो कि वो चाय बना दिया करे। तो इस पर रुचि कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ, सारा काम मम्मी जी करती हैं, और मम्मी जी तुम जो बातें तुमसे कह रही थी वो बातें वो मुझसे भी कह सकती थी, और
मुझसे कहती तो वो ज़्यादा अच्छा होता, मैं क्या मैं उनकी बातें ना समझती। तो ईश्वर अंश कहता है मम्मी शायद डर रही थी तुमसे कहते हुए। तो रुचि कहती क्यों, मैंने उन्हें कुछ कहा है या उन्हें कुछ कभी भला बुरा कहा है, किस बात से वो डर रही थी, क्या वो दिखाना चाहती हैं कि वो उनकी बहू उन्हें परेशान करती है। तो ईश्वर अंश कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, मम्मी ऐसा कुछ नहीं चाहती, मम्मी बस सोच रही थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे और तुम को कोई कुछ बुरा ना लगे, इस वजह से वो मुझसे तुम्हारी बातें कह रही थी। तो इस पर रुचि कहती है कि मम्मी जी भी तो वहाँ पर पूरा काम करती थी, चाहती तो थोड़ा बहुत काम वो कर सकती हैं, वो पापा के लिए कुछ नहीं तो पापा के लिए सुबह चाय भी बना सकती हैं, वो सुबह उठ ही जाती हैं तो वो चाय बना लेती, इसमें क्या बिगड़ जाता। तो अंश कहता है मैंने भी यही बात कही है मम्मी से कि आप थोड़ा सा काम कर लिया करो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा वर्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर। रुचि को बहुत देर मनाता है तो वो जाके थोड़ी सी शांत पड़ती है। वो फिर अंश कहता है कि यार तुम क्यों परेशान हो रही हो, पापा मम्मी कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, उन्हें थोड़े ही टाइम यहाँ रहना है, पापा जैसे सही हो जाएंगे वो चले जाएंगे और तुम फालतू में परेशान हो रही हो, फालतू में तुमने टेंशन ले रखा है, कौन सा तुम्हारे साथ मम्मी पापा लाइफ टाइम रहेंगे। अंश अपनी बीबी को समझाता है। इधर सरला जी उठकर वॉशरूम जा रही होती हैं और जब बेटी बहू की ये सारी बातें सुनती हैं तो वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और उनकी आँखों में आंसू भर आता है। वो सोचती हैं कि हमने तो सोचा था कि हम पूरी ज़िंदगी अपने बहू और बेटे के साथ बिताएंगे, पर मेरी बहू को यहाँ रहना शायद नहीं पसंद आ रहा है और मेरी बहू नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूं। मैंने तो अपनी बहू मेरी बहू को बुरा ना लगे इस वजह से अपने बेटे से बातें कही है और मेरी बहू उसका गलत मतलब निकाल रही है। वो बहुत सारी बातें सोचती हैं, उनकी आँखें आँसुओं से भर आती हैं और वो वॉशरूम से होकर आकर अपने बेड पर लेट जाती हैं। अजय जी को लगता है कि उनकी पत्नी किसी बात से दुखी हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो इस पर सल्ला जी बात टालते हुए कहते हैं हाँ सही है, बस थोड़ा सा हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। तो ईश्वर अजय जी कहते हैं कि अंश को बुलाऊं वो कोई दवा दे दे। तो ईश्वर कहते नहीं नहीं वो सो रहा है, उसे सोने दीजिए। सुबह सरला जी के मन में रात भर ये बातें चलती हैं और सुबह वो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर अजय जी को बालकनी में लाके छोड़ती हैं और खुद जाकर किचन में चाय बनाने लगती हैं। वहाँ पर वो चाय बना रही होती हैं और चाय छानते टाइम उनके हाथ से लगकर एक कप नीचे ज़मीन पर गिर कर टूट जाता है। वो चाय छानती हैं, किचन में वो कप जो टूटा रहता है उसे साफ़ करके डस्टबिन में डालती हैं और आकर बालकनी में बैठकर अपने पति के साथ चाय पीने लगती हैं। दोनों लोग बातें करते रहते हैं, अपने यहाँ की यादों को याद करते हैं। अजय जी भी कहते हैं कि मैं रूम में पड़े पड़े बोर होने लगा हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम ये था कि हम लोग पार्क निकल जाते थे। तो ईश्वर सल्ला जी कहते हैं हाँ कुछ ही दिन तो हम लोगों को यहाँ रहना है, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, आप सही हो जाइए फिर हम लोग अपने घर चल लेंगे। तो ईश्वर अजय जी कहते हैं क्यों ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे बेटे का घर है, तुम्हारी बहू का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तो सल्ला जी इस पर कुछ नहीं बोलती, उनके मन में उस घर के लिए एक अजनबीपन आ जाता है। वो सोचती हैं कि बहू और बेटे का घर है और पता नहीं हमें यहाँ पर इज्जत वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। थोड़ी देर में अंश और रुचि उठते हैं और रुचि नहा धोकर फ्रेश होती है तो ईश्वर सल्ला जी कहते हैं बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। तो रुचि के मन में बात आती है कि मम्मी जी मुझे ताने दे रही हैं या आज उन्होंने चाय बना के पी लिया इस वजह से आज मुझे ये ताने दे रही हैं कि मुझे चाय बना दो। पर सल्ला जी के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ पूछ रही थी कि उनकी बहू है तो बना देती हैं चाय। रुचि किचन में गुस्से में रहती है तो किचन में आती है, सुबह सुबह ही उसका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, उसे लगता है उसकी सास उसे ताने बोल रही हैं। और जब वो किचन में आती है कप फूटा हुआ कप देखती है तो उसका दिमाग और
चढ़ जाता है, वो गुस्से में कहती ये कैसे हो गया और इतना महंगा कप कैसे टूट गया। सल्ला जी जब उसकी बातें सुनती हैं तो किचन में आती हैं, कहती बेटा कुछ नहीं, मैं चाय छान रही थी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से लग के ये गिर गया और टूट गया। तो इस पर रुचि कहती है आप जानती हैं कितना महंगा सेट था, और मैं ये अपने स्पेशल गेस्ट के लिए रखी हूँ जो हमारे यहाँ कभी कभार आते हैं, और रोज के लिए तो हमने दूसरे कप निकाल के रखे हैं, और आप जानती हैं कितना महंगा कप है, ये बहुत महंगा है, और आप क्या आपकी तो गृहस्थी है नहीं, मैंने बहुत मेहनत से अपनी ये गृहस्थी बनाई है और एक एक सामान मैंने जोड़ जोड़ के बनाया है। सरला जी को उसकी ये बातें बहुत चुभती हैं कि उन्होंने भी अपनी गृहस्थी बनाई, उन्हें पता है वैल्यू कि कैसे कोई भी सामान संभाल के रखा जाता है, और उनके हाथ से गिर के ये टूट गया, उन्होंने जानबूझ के उसे नहीं तोड़ा था। रुचि गुस्से में रहती है और ये सारी बातें भूल जाती है। वो कहती है कि मेरा सबसे महंगा सेट था जिसे आपने खराब कर दिया, और अब और आपको इसमें चाय लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सामने कप लगे हुए हैं, आपको उसमें चाय ले लेनी चाहिए थी, कोई ज़रूरी ही नहीं कि जो अच्छा कप हो उसी में चाय पिया जाए, चाय पीने से मतलब। तो सल्ला जी ने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता था, मैं किचन में आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस कप में मैं चाय लूँ किस में ना लूँ, तो मुझे इससे गलती से टूट गया है और मैं आगे से अब ध्यान रखूँगी। रुचि मन ही मन सोच रही थी कि इन्होंने जानबूझ के किया होगा ताकि आगे से इन्हें चाय ना बनाना पड़े या किचन में कोई काम ना करना पड़े, पर सल्ला जी के मन में कोई बात नहीं थी, उनसे गलती में सच में वो कप टूट गया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि एक कप के लिए मेरी बहू आज मुझे इतना सुना रही है, मैंने तो अपनी पूरी गृहस्थी इसके हाथ में दे दी है, अपना बेटा इसके हाथ में दे दिया है, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ इसी का है, और एक कप टूट जाने की वजह से आज मेरी बहू मुझे इतना सुना रही है। बातें छोटी छोटी ही थी और उनके घर में एक बहस का माहौल सा बन रहा था। सरला जी को वो घर अपना नहीं लगता, अब उन्हें फील होने लगा कि वो अपने बेटे बहू के घर में हैं, कोई भी काम वो करती तो थोड़ा सहम के करती कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ टूट ना जाए, और जो उन्हें कुछ भी ज़रूरत होती छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीज़ें उन्हें अपनी बहू से मांगना पड़ता, जो कि उनके लिए उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर भारी पड़ता। उन्हें लगता कि मैं अपनी बहू से हर चीज़ मांग रही हूँ, तो अजय जी समझाते कि जैसे हमारी बेटी से हम लोग कुछ कहते थे वैसे ही हमारी बहू है, और तुम फालतू में ये सब चीज़ें सोचती हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, और कोई बात नहीं है, बहू है, उसका घर है, उसने जो सामान जहाँ रखा है उसे पता है। तो इस पर सल्ला जी रुचि को भी लगता कि हाँ मेरा घर है, मम्मी जी को जो भी ज़रूरत है वो मुझसे मांगे। सास बहू के मन में थोड़ा थोड़ा मनमुटाव शुरू हो चुका था। जो है अजय जी काफ़ी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, पर ये अच्छा भी नहीं लगता है कि बच्चे बड़े जो हमारे हैं वो बच्चों से मांगे। पर यहाँ पर रुचि ये बातें नहीं समझ रही थी कि उसकी सास को ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं या उसकी सास के मन में ये बातें गलत बातें बैठा सकती हैं। ये उनके बेटे का भी घर था, हर चीज़ पर उनका पूरा हक था, और इसी तरह सास बहू में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर कहा सुनी हो जाती। सल्ला जी को लगता कि मेरे बेटे का घर है, मेरी बहू मुझ पर ये सारी बातें मुझे मैं हर चीज़ उससे पूछ कर क्यों करूँ या क्या। और रुचि को लगता कि मम्मी जी मेरे घर आई हैं तो मुझसे हर चीज़ पूछ के करें क्योंकि ये मेरा घर है। अजय जी की तबीयत भी अब थोड़ा थोड़ा सही होने लगी थी, डॉक्टर को दोबारा चेकअप के लिए अंश ले गया, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वो काफ़ी सही हो रहे हैं और उन्हें अब रूम में ना रहकर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अजय जी सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर कहाँ जाएंगे मॉर्निंग वॉक, तो
अंश कहता है कि पापा मेरे घर से थोड़ी दूर पे एक पार्क है, आप वहाँ पर चले जाइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आप और मम्मी दोनों आप वहाँ पर जाइएगा और सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, फिर आइएगा, फिर घर में फ्रेश होइएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बाहर के लोगों से मिलेंगे, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो ईश्वर अजय जी कहते हैं हाँ बेटा ये ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को भी ले आऊँगा और उनके साथ भी, मतलब हम दोनों मियाँ बीबी आएंगे और यहाँ पर अपना वॉक करेंगे और जब टाइम मिलेगा तो फिर घर आ जाएंगे, और सही भी रहेगा, तुम्हारी मम्मी का भी मन बहल जाएगा थोड़ा। और अंश अपने पापा को ले जाकर पार्क दिखाता है जो उसके घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। वो सुबह ये बातें अजय जी सल्ला जी से कहते हैं कि कल से तुम तैयार रहना, हम दोनों पार्क चलेंगे, वहाँ पर हम लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे, तुम भी रहना साथ में और मैं भी रहूँगा, और जैसे हम लोग वहाँ जाते थे वहाँ पर अच्छा लगता था वैसे यहाँ भी चलेंगे, अच्छा लगेगा। और तो इस पर सल्ला जी भी कहती हैं हाँ ठीक है, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इतना काम भी नहीं है और हर चीज़ मुझे बहू से पूछना पड़ता है, और थोड़ा बाहर निकलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सुबह दोनों मियाँ बीबी फ्रेश होकर पार्क के लिए निकल पड़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बहुत से बच्चे, बहुत से बूढ़े, सब मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका ये रूटीन बनता है और वो रोज डेली पार्क के लिए जाने लगते हैं। वहाँ पर जब वो रोज डेली जाते हैं तो वहाँ पर उनके कुछ दोस्त बनने लगते हैं, उन्हीं के एज के लोगों से उनकी फ्रेंडशिप होने लगती है, जहाँ पर लोग अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग होते हैं जो अकेले होते हैं, अक्सर सरला जी और अजय जी उन्हें देखते हैं कि वो आकर वॉक करते, इसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहते बेंच पर और पता नहीं किस बात में, किस याद में गुम रहते थे सरला जी अजय जी। आखिर अक्सर उनसे हाय हेलो होता और बस हाल चाल लेकर वो लोग चले आते, लेकिन वो बुजुर्ग काफ़ी देर तक वहाँ रोज अक्सर बैठे रहते। धीरे धीरे उन लोगों में भी बातचीत होने लगी, वो बुज़ुर्ग अपनी बातें बताने लगे और कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर वो किसके साथ रह रहे हैं और किसके पास रह रहे हैं। और कई बुज़ुर्ग ऐसे थे जो वहाँ पर आते थे, सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे की बातें शेयर करते थे। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे जो बैठे हुए थे, तो अक्सर उनसे जब बातें होती तो एक दिन अजय जी ने पूछ ही लिया कि आप, हम लोग टहल के एक्सरसाइज करके हम सारे लोग चले जाते हैं, आप यहाँ पर बैठे बैठे अकेले क्या करते हैं, क्या आपका घर जाने का मन नहीं होता है? तो इस पर वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मेरी पत्नी का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया और मैं गांव में रहता था, मैं वहां पर अकेला था, बेटा बहू यहां पर गुड़गांव में जॉब करते हैं, बहू भी जॉब करती है, बेटा भी जॉब करता है और दोनों अक्सर बिजी रहते हैं, मेरे पास कोई ऐसा रहता नहीं है, मुझे घर जाते हुए उलझन होती है, मैं घर जाता हूँ बहू ऑफिस चली जाती है, घर में कोई रहता नहीं, नौकर चाकर तो बहुत हैं लेकिन घर में कोई अपना नहीं है, इस वजह से मेरा घर जाने का मन नहीं करता, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर अजय जी कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, बेटा बहू जॉब कर रहे हैं तो दिक्कत तो होती ही है और इस तरह, तो लेकिन आप कब तक यहाँ बैठेंगे, आपको घर जाना चाहिए। ठीक है, वो लोग चले जाते हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो इस पर वो मुझे कहते हैं कि नौकर चाकर है लेकिन मैं कितनी देर उनसे बात करूं, कितनी देर उनसे बातें कहूं, कितनी देर उनसे बात करूं, कितने देर अपने, अगर मुझे कुछ कहना है, मुझे अपने दिल की कोई बात शेयर करनी है तो मैं किससे कहूँ, मेरी पत्नी जब तक जिंदा थी हम लोग बहुत सुकून से थे, बहुत अच्छे से थे,
एक दूसरे के साथ रह रहे थे, पर आज मैं एकदम अकेला हूँ। ना मेरा मेरे बेटे को मेरी मेरा ध्यान है, ना मेरी बहू को मेरा ध्यान है। अजय जी उन्हें समझाते हैं कि हाँ उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने आपके सुख सुविधा के लिए नौकर चाकर तो रख ही दिए हैं। तो इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं टाइम तो नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं उससे उन लोगों से शिकायत भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो टाइम उनके पास है वो टाइम तो मुझे दे सकते हैं छुट्टी के दिन। हमारा बेटा अक्सर अपने मोबाइल में बिजी रहता है या दोस्तों से बातें करने में बिजी रहता है, और हमारी बहू छुट्टी के दिन अक्सर अपने सहेलियों के साथ निकल जाती है घूमने। तो कम से कम जो छुट्टी का दिन है वो दिन तो हमारे लिए वो लोग रखें। तो इस पर अजय जी उन्हें काफ़ी समझाते हैं कि आप परेशान मत होइए, ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सबके साथ ऐसी होती हैं। और तो इस पर एक दूसरे बुज़ुर्ग बोल उठते हैं कि भाई साहब सबके घर में यही चल रहा है आजकल, इस मोबाइल में हम लोगों के लिए जो वक्त था, जो हम लोगों के लिए जो टाइम था, उस टाइम को छीन लिया है। मेरे भी घर में मेरी बेटी है, मेरे दामाद है, मेरा कोई बेटा नहीं था, मैं मेरी सिर्फ एक इकलौती बेटी थी, और हम मियाँ बीबी अपनी बेटी के पास रह रहे हैं, और मेरी बेटी जो है ज़्यादा वक्त नहीं देती है, अक्सर वो अपने क्लब और किटी में व्यस्त रहती है, और अगर उनके बच्चों के साथ हम लोग खेलते हैं तब भी उन्हें लगता है कि नाना नानी बच्चे को बिगाड़ देंगे। तो ये हम लोगों के पारिवारिक समस्याएं हैं, और ये समस्याएं शायद जब तक हम लोग जिंदा रहें तब तक चलती रहें। अक्सर उन लोगों में बैठकर अपने परिवार की बातें होती, समस्याओं पर बातें होती, और उस समस्याओं के समाधान पर बातें होती। वहीं पर कोई लोग कुछ अपना राय देते हैं कि अगर हमारी बहू हमें नहीं टाइम दे रही है तो कोई बात नहीं है, हम लोग जो है आपस में ही खुश रहने की कोशिश करें, और अगर हमारी बहू के पास हमारे बहू पर ज़्यादा वर्क पड़ रहा है, हमारी बेटी पर ज़्यादा वर्क पड़ रहा है, तो हम उस काम को करने की कोशिश करें। सब लोग एक दूसरे को राय दे रहे थे, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बातें करते और फिर आप वापस अपने घर चले आ रहे। तो रास्ते में अजय जी ने सल्ला जी से कहा कि देखो तुम फालतू में परेशान हो रही हो, हर घर की यही कहानी है और हर घर में ये चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और हम लोग ऐसे ही किसी चीज़ के लिए या किसी बात के लिए बहू बेटे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं या बहू बेटे को नहीं कुछ कह सकते हैं। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी जर्नी है, और हम लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दोनों मियाँ बीबी बातें करते करते घर आते हैं, और सरला जी यहाँ पर बहू उनकी चाय बनाई रहती है, चाय पीती हैं, और वो कहती हैं कि बेटा अगर कोई काम है तो प्लीज़ मुझे बता दो और मैं तुम्हारा सारा काम थोड़ा बहुत मैं हेल्प करा दूँगी। और इस पर वो कहती नहीं मम्मी जी, काम हमारा हो गया है, बस आप लोग अपना सारा काम कर लीजिए और आप काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग आराम से रहिए। और तो फ्रेंड्स आगे की कहानी भाग चार मैं आप लोगों को फिर सुनाती हूँ, बिखरते रिश्ते आप लोगों को मैं सुनाती हूँ कि किस तरह हमारे रिश्तों में एक टकराव हो रहा है, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे ये बातें नहीं समझ रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों को हमारे पैसों की, हमारे नौकर चाकर की ज़रूरत नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों को हमारे टाइम की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम हमारे बुज़ुर्ग चाहते हैं हमसे कि हमारे बच्चे थोड़ा सा टाइम हम तक दें, और जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बने रहें, बिखरे ना, हमारे बच्चों में संस्कार रहे, और हम उन्हें थोड़ा सा वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो
तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी भाग 3 बिखरते रिश्ते यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आगे की कहानी आप लोगों को लेकर चलती हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ कि हमारे बुजुर्गों के साथ कहीं कहीं कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर आगे की कहानी सुना रही हूँ। अगर मेरी ये कहानी पसंद आए और आप लोगों को लगे कि आपके आसपास ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और मेरे कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लिखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा ही लिखूं और कुछ अच्छा ही सुनाऊं जो आप लोगों को पसंद आ जाए। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई कहानी है, कोई ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सेंड कीजिए, मैं वो कहानी आप लोगों के नाम के साथ सुनाऊंगी कि आपने भेजा है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ है या आप लिखने का शौक़ रखते हैं, तो प्लीज़ समाज पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे पास वो कहानियाँ भेजिए, और मैं ज़रूर वो कहानियाँ आपके नाम के साथ सुनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।